सोनोटेक कैसेट्स। किस काली जे नाम अव्वल उसे मनाई, जिसने पैदा किए तमाम, दूजे मना ले अपने मां पिता को, जिनकी कोको फैलाए पांव, तेज मना ले अपने नबी रसूल को, जिनके कलमे से हो जा पाक, मैंने सुमरे नबी रसूल लतीफ हुसैन सतगुरु मेरे गुरु के पागी बंधियो फूल, अरे मालिक मेरी नैया तो लगा दे रे देवा पा,
दिव्यांग जितने हमारे श्रोता लोग बैठे हैं सबको हमारा नमस्कार। जी हाँ, आपको बताया जाता है कि हमारे खेल का नाम गरीबी अमीरी, बहन और भाई का प्यार एंड निंदना का भाग। आप लोगों को बता दिया जाता है कि शहरी टकोई में ठाकुर निंदना राज करते थे। वो सिर्फ इकले थे, उनके दो भाई थे चचेरे जिनका नाम ओरा और भूरा था। ओरा भूरा के माँ बाप छोटों को छोड़कर के मर जाते हैं। रानी सावलदान उन लड़कों को पाल करके जवान कर देती है। जवान होने के पश्चात दोनों लड़कों के दिल में बेईमानी आ जाती है। ठाकुर निंदना को चमन में ले आते, जुआ खिलाते हैं। एक दो दिन के बाद निंदना का राजपाट जुए में जीत लेते हैं। लत्ते उतार करके जो सोरन का ताज सर से बंधा हुआ था वो भी उतार लेते हैं। शहर से बाहर चार नंबर टूटी घुड़साड़ ठाकुर निंदना को रहने के लिए दे देते हैं। ठाकुर निंदना जंगलों से घास छीलते, शहर में बेचते, अपने गुजर बसर करते हैं। शहर गुरगमे में राजा धीर सिंह निंदना के बहनोई साहब राज करते थे। उनके लड़के की शादी करीब आ जाती है। लोहागढ़ से टीका चढ़ाते हैं, लड़के की शादी करीब आ जाती है। यहाँ से आप लोगों को यानी खेल सुना जा रहा, हमारा प्रोग्राम यहाँ से शुरू किया जा रहा है। खेल का नाम गरीबी अमीरी, बहन और भाई का। राजा धीरा अपने जनाने महल को जाएंगे और कमलावती को भात नौते के लिए सहरेटा खोकर भेजेंगे। तो दोषक राज करते थे पंचो सार गुरगवा में राजा धीरा, और बेशक करते थे गुरगवा में धीरा राज। टीका चढ़ा बैठे थे लोहागढ़ से, के लोहागढ़ को चढ़ेगी मेरे हिरैया कुमार की बारात। सात राय जो थी लोहागढ़ की, इसलिए राजा धीरा ने टीके को साफ किया था इनकार। अरे टीका रोक लिया था सार गुरगवा में राजा धीरा ने निंदना साले पे, ये सात लड़ाइयों को ठाकुर निंदना कर दे जाके पार। जिहा रचा देगा मेरे हिरैया कुमार का, ओ लोहागढ़ को चढ़ा देगा मेरे बेटे की बारात। पंचो ये ना खबर थी उस राजा धीरा को, अरे भाई मेरे निधना साले की, फिर क्या सो गई रे। जब से निंदना के घर आ गया टोटा, ताने ताने को, अरे ताने ताने को निंदना मोहता, ये ठाकुर की बन के बिगड़ गई रे लोगों बा।
गढ़ से लोहागढ़ की, अरे लोहागढ़ की बुरी है मार, अरे कठिनी लड़ाई हरे दानों की, बिन निधना के मेरे सर ना होने की, निधना बिना अरे ठाकुर बिना ना चढ़े बारात, के निधना की बन के बिगड़ गई रे लोगों बात। जवाब कर तेरे गुरगवा में थीरा, ए रानी कमला को, अरे रानी कमला को रहे समझार, अरे रथवा निकालो मेरे रथ खानों से, धोली बधिए गोली बधिए लो जुड़वार, अरे भाती नौतिया तू चल निधना के, निधना के जाके अरे ठाकुर घर जाके तू नो तो भाग, मेरी कामनी विजय सिंह जावेंगे तुम्हारे साथ। हाँ प्यारे सज्जनों, आप लोगों के सामने खेल शुरू हो गया है। अब राजा धीरा अपने जनाने महल को जाएंगे, कमलावती को भात नौते के लिए ठाकुर निंदना के यहाँ भेजेंगे। राजा धीरा को कोई मालूम ये नहीं कि मेरे साले निंदना गरीब हो गए। जी हाँ, यहाँ से आप लोगों को खेल सुना जा रहा है, निंदना का भात एंड गरीबी है मेरी। जी हाँ, अब हमारे राजा धीरा अपने जनाने महल को जा रहे हैं। शुक्रिया। जी हाँ प्यारे सज्जनों, आपको बता दिया जाता है कि हमारे खेल का नाम गरीबी अमीरी बहन भाई का प्यार। बता दिया जाता है कि शहर इटाखोई में ठाकुर निंदना राज करते थे, वो सिर्फ इकले थे। उनके दो भाई थे चचेरे, जिनका नाम ऊरा और भूरा था। ऊरा भूरा के माँ बाप छोटों को छोड़ करके मर जाते हैं। रानी सामलदान उन लड़कों को पाल करके जवान कर देती है। जवान होने के पश्चात दोनों लोग सोचते हैं इस राजपाट में हमारा कोई भी हिस्सा नहीं है, ये सब राज ठाकुर निंदना का है। इसलिए दोनों लड़कों के दिल में बेईमानी आ जाती है। ठाकुर निंदना को चमन में ले आते हैं और जुआ खिलाते हैं। एक दो दिन के बाद निंदना का राजपाट जुए में जीत लेते हैं। लत्ते उतार करके जो सोरन का ताज सर से बंधा हुआ था वो भी उतार लेते हैं। शहर से बाहर टूटी हुई घुड़साल निंदना को रहने के लिए दे देते हैं। ठाकुर निंदना जंगलों से घास छीलते हैं, अपने गुजर बसर करते हैं। शहर गुरगमा में राजा धीर सिंह निंदना के बहनों हिसाब राज करते थे। उनके लड़के की शादी करीब आ जाती है तो कमलावती भात नौते के लिए ठाकुर निंदना के यहाँ जाती है। यहाँ से आप लोगों के सामने खेल जो शुरू किया जा रहा है, ये सनवी सीडी के सौजन्य से आप लोगों को प्रोग्राम सुनाया जा रहा है। मुझे अपने महल जनाने जाना है, रानी कमलावती को समझाकर शहरी तक हुए भात नौतने के लिए भेजना है। दरबारों से चल दिए धीर सिंह सरदार,
मन ही मन में सोचते बंद करे दरबार। बंद करे दरबार रावण ने मन में मता उपाय, दो चार मिनट के बाद चली रंग महल में आए। चली महलों में आएगी देर ना वो पल की लाएगी, ये है नया तराना। उसी जगह पर पहुंच गए थे जहां था महल जाना। गेट पर बांधी दासी का कोई पता नहीं है, और कहिए इस दम आठ के कोई है तो मिजाज सरे। मुस्काते हो अजबने ठने क्या चौधरी के पिया चांद नजरिया। जरा मुख से बोलो क्या पियती दिल की खोलो। तो दिल में धक पखे रंग उड़ा है गुल चेहरे का गुल का रंग क्यों फखे। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते कमलावती। कहिए स्वामी। बांदी खाना बना लेती है, आप खा लेती हैं और पलंग पर लेट लगा लेती हैं। और हमें काम भी क्या है, बांदी को खाना बना लेना और हमें खा लेना और पलंग पर लेट लगा लेना। मैंने तुमसे पहले कहा था। हाँ कमलावती। कहिए स्वामी। मैंने तुमसे पहले कहा था। क्या मेरे कहा था? मेरे बस के साथ लड़ाई नहीं है। वो क्यों नहीं है? तुमने जिद लगा के रिश्ता तय किया। हाँ, क्या है स्वामी? तुमने कहा मेरा भाई सूबेदार है, बावनगढ़ का राजा है। जी हाँ। कमलावती मेरे बस के साथ लड़ाई नहीं है, अब तुम्हें क्या करना है? क्या करना है स्वामी मुझे? अब सुनो तुम्हें क्या करना है। सुनाइए। अरे बार बार समझाया था तुझे मैंने सर गुरगवा में, एक नहीं मानी तुमने मेरी बात। जी। टीका चढ़ाया था लोहागढ़ का, तुमने कहा मेरा भाई है सूबेदार। हाँ हाँ, मैंने कहा था स्वामी मेरा भाई पहले भी सूबेदार था और अभी सूबेदार है। अरे कामनी, अरे वो दिन लगे हैं बराबर देखो। कमलावती जा मेरे साले के ना।
से जाती हूँ स्वामी। हे जी लुच्चा गुंडा भाई तुम्हारा दूल्हा मेरे कमला जय जी तुम्हारे कमलावती। कहिए स्वामी। ठहरो, देखिए अपने मतलब में गधे को बाप बनाना पड़ता है कमला। नहीं, तू बनाते रहो गधे को बाप, मैं किसी को बाप नहीं बनाऊंगी। आज हमारे लड़के की शादी है, हमें बहुत छोटा बनकर चलना है। तुम बनते रहो छोटे, मैं किसी से छोटी नहीं हूँ स्वामी, मैं तो सबसे बड़ी हूँ। इंसान कितना भी बड़ा है, जब तक छोटे को बड़े को गले नहीं लगाएगा तब तक उसका कार्य नहीं बनता है। कमला आप लगाते रहो सबको गले, मैं किसी को गले नहीं लगाऊंगी। जाओ और मेरे भाई साहब को बुलाकर मेरे पास लाओ। जरूर जाना पड़ेगा स्वामी, जरूर जाना पड़ेगा। आप बैठो, मैं जाती हूं। लड़के की शादी करोगी तो बुलाकर लाऊंगी। ठीक है स्वामी, जैसे आप क्या जाओ। विजयसी भाभी भाभी देवर देवर। अरे कहो कैसे हुआ भाभी, अरे आना तुम्हारा। कैसे हुआ है, अरे आना तुम्हारा। सही हाल मुझको बता दीजिए सारा। आज से पहले जब तुम मेरे महल में आई हो, मैं समझ गया कोई तुम फरियाद लाई हो। हाल मुझको तुम अपना बता दीजिए। हाल दिल का बताओ और छुपाओ नहीं, कैसे हैरान कैसे परेशान हो। कौन चिंता के चक्कर में ये दिल पड़ गया, क्यों ना देती हमारी तरफ प्यार। सही बात है। हनी क्या बात है बोलो। जान की तेरी तुझसे मैं तालीब नहीं क्या? और दिलों जान से तुझ पे कुर्बान हूँ। ठीक है। और दिलों जान से तुझ पे कुर्बान हूँ। पास आ जा मेरे और लगा लूं गले, चांद सी तेरी सूरत पे कुर्बान हूँ। पास आ जा। भाभी क्या बात है, क्या परेशानी है, बोलो किस लिए आई हो। विजय सिंह हाँ, तुम्हारे भाई तुम्हें याद करते हैं। क्या कहा, मेरे भाई मुझे याद करते हैं? भाभी एक काम करो, बोलो मेरे भाई से जाके बोलो विजय सिंह के पास टाइम नहीं है, लिखाई पढ़ाई में लगा हुआ हूँ, एग्जाम सामने आ रहे हैं, मैं नहीं आऊंगा, जा सकती हूँ। मैं साथ नहीं चलोगे? जी नहीं। ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा, मैं जाती हूँ। जाइए। कहाँ गए जी? हाँ कहिए कमलावती, क्या बात है? उन्होंने आने के लिए मना किया है। क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है मेरे पढ़ाई का काम चला, मुझे जाने की टाइम नहीं है। ठीक है कमलावती जी, मैंने अपने भाई साहब को पढ़ा लिखा है, काबिल बनाया है। हाँ, बनाया है। खैर कोई ऐसी बात नहीं है, आप बैठिए मैं खुद जाता हूँ। और क्या, मैं जाऊँगी? देखो जी, तुमने लिखाया पढ़ा अपने लिए होगा, मैंने भी पढ़ा है। ठीक है, जा सकते, मैं नहीं जाऊँगी, मैं खुद जाता हूँ। कमलावती आइए, मैं देखता हूँ विजय सिंह किधर है। आज हमारा काम है तो पढ़ाई में टाइम नहीं है, मैं खुद देखता हूँ। ठीक है स्वामी, आता हूँ। ऐसा नमस्कार। नमस्कार, बोलो किस लिए बुलाए, क्या बात है? विजय सिंह हाँ, आपको मालूम होना चाहिए। बोलो। आज हाँ, हमारे लड़के की शादी के दिन करीब आ गए हैं। बड़ी अच्छी बात है, तुम्हें क्या करना है? क्या करना है भाई?
विजय सिंह सुन लीजिए बात करो स्वीकार। ईटा खोए जाना तुम्हें अरे रत कर लो तैयार। रत कर लो तैयार विजय सिंह इतना कहन बजाना इतना अपनी भाभी कमलवती को बिठा रहा तुम्हें ले जाना। अच्छा अपनी भाभी कमलवती को बिठा रहा तुम्हें ले जाना और मेरे साले निगना को तुम भात नोत कर। लौट कर जल्दी आना जी देर मत वहां पे लाना जी। ईटा खोए का हाल चाल मुझसे बतलाना। भैया बस ये बात है? हाँ तो बात ये है मैं भाभी के साथ में बात होते नहीं जाऊंगा। खैर वीर सिंह मैं समझ गया तुम दोनों की टक्कर है। मेरे लड़के की शादी है जो कहना है तुम्हें कमलावती के सामने कहना है। भैया उससे डर लगता है जिस टाइम मैं कॉलेज से आता हूँ ना एक टाइम तो मुझे खाना देती है एक टाइम मुझे चप्पल दिखलाती है मैं नहीं जाऊंगा। खैर ये मैं भी बुलाता हूँ। अरे किसे बुला रहे हो? कमलावती को। मुझे डर लगता है उससे बहुत। डरता तो है मैं सामने खड़ा हूँ। सामने कहना पड़ेगा। हाँ। बुलवाइए कमलावती। इधर आओ। कही क्या बात है? बोल बे विजय सिंह जो बातें हो रही सामने हो रही आगे पीछे नहीं समझे। भाई साहब जिस टाइम मैं कॉलेज से आता हूँ एक टाइम तो मुझे खाना देती है जी। एक टाइम मेरा बिस्तर गोल कर देती है। देखो जी आज से खाना दिया सो दिया आज से पानी देना भी। देखो आग फोड़ने को तैयार है दोनों भाइयों के। आके नहीं देखो जी मैं होंगी न्यारी अभी होना मुझे इसी जगह और होंगी अभी। लो साहब ये है लड़के की शादी है अब बंटवारा आ गया आपके सामने है ठीक है। मैं कमलावती आपका कहना करूंगा बंटवारा ही करूंगा पहले। जी हाँ मुझे न्यारा होना है। विजय सिंह भाई सारे काम करो। जब तुम हमें भेजना चाहते हो तो हम जाते हैं। एक बात जरूर आपको माननी पड़ेगी सुनो जब मैं 10 कहन तुम्हारे करूंगा एक कहन भाभी का भी मुझे करना पड़ेगा जरूर। खैर वो तो ठीक है। ठीक है 10 काम मेरे करते हो और 10 काम कमलावती करते हो। कमलावती जी मेरे भाई साहब आपके साथ में जाएंगे जी हाँ। मगर 10 काम मेरे बढ़ जाते हैं और 10 काम आपके जी हाँ। मेरे भाई साहब का कोई रास्ते में काम पड़ जाए तो कर देना। देखो जी करने वाला काम कर सकती हो अगर जो ना करने वाला काम उसे कहने कैसे कर दूंगी। चलो जैसा भी होगा आप जानो मैं आपके साथ भेज रहा हूँ अपने भाई। ठीक है मुझे मंजूर है नमस्ते जी। विजय सिंह नमस्कार भाई साहब। नमस्कार हम जाते हैं। आए भैया अब गया धीरा भैया चल गया लगा लेन पे पहिया। अरे क्या जानू मैं सजनिया चमके की कब चंदनिया घर में गरीब के उठाए ले घूंघटा उठाई ले घूंघटा उठाई ले घूंघटा चांद देख ले उठाई ले घूंघटा चांद देख ले। का जानू में सजनिया चमके की कब सजनिया घर में गरीब के उठाई ले घूंघटा उठाई ले घूंघटा चांद देख ले। काश मेरे पास होते धरते फिर मैं तुझसे प्यार नहीं करते।
बिकता धरती से पैदा होता सोना, बिकता नहीं दिल का ये खिलौना। हाँ काश मेरे पास होती धरती, फिर मैं तुझसे प्यार नहीं करते। हाँ धरती से पैदा होता सोना, बिकता नहीं दिल का ये खिलौना। एक मुफ्त का है सौदा, पैसे से नहीं होता, होता है प्यार से। बुलाए ले नैनवा, मिलाए ले नैनवा, मिलाए ले नैनवा, प्यार तोल ले, मिलाए ले नैनवा, प्यार तोल ले। दीवारी हम मिलेंगे, फिर ये दिल के फूल कब खिलेंगे। तोड़ के दीवारी हम मिलेंगे, फिर ये दिल के फूल कब खिलेंगे। मैं हूँ यहाँ तू है कहाँ खोया, मैं कई रातों से नहीं सोया। मैं हूँ यहाँ तू है कहाँ खोया, कई रातों से नहीं सोया। कहता है जमाना मैं हो गया दीवाना, कहते हैं लोग ये। बुलाए ले बैद को, बुलाए ले बैद को, बुलाए ले बैद को, रोग पूछ ले, बुलाए ले रोग का। जो भैया ने कहा था वो तो भूल ही गए हम। जी हाँ। अब एक काम करो, बोलो, तैयारी करो। अरे आज रणवासों के बीच में मेरी भाभी मेरी क्यों नहीं सुनती हो बात। अरे जल्दी चली जा तुरंग महलों को। जी जी। लौंडी बांदी को ये री समझा। कैसे आप क्या गया? अरे ली मेरी भाभी री बो दिन तो लगा है बराबर आज। सोला संगा।
जुड़ी बालू भाभी रत खानों से भाभी ढोली बधिए लूंगा जुड़ी बाल कमला मोती पिरो रही हेती बाली बाली कमला मोती पिरो रही कमला ने सोना चलिए होले होले रत्न बढ़ाना जल्दी रहना
फागड़ की बिना निंदिना के वहां फतेह नहीं होगी। अरे साले बिना ना मेरी चले बारात, मेरी भाभी चल के देखे साले के रात। आप लोगों को बता दिया जाता है कि जब ठाकुर निंद्रा राज करते थे, राज करते समय ठाकुर निंद्रा का एक यार बना था राम सिंह गडरिया। राम सिंह पाल भेड़ चराता हुआ रथ के सामने गुजरता है। कमलावती राम सिंह पाल के पास जाएगी, अपने भाई ठाकुर निंद्रा का हाल मालूम करेगी। देखिए कमलावती और राम सिंह का जवाब आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। विजय सिंह, क्या बात है भाभी? तुमने चलते चलते रथ को रोक दिया है। हमारे सामने गडरिया था, हमारी बदिया चौक रही है इनसे। ठीक है, इसे बचा क्या हो? आप बैठो, मैं जाके इनको बचा के आता हूँ। कैसी आपकी आज्ञा? जाइए। चके चके चके, चल तेरा मरैया फले तेरा कटा कैसा ही। आज तो काले बकरे ने भी बहुत ही परेशान कर रखा है। अच्छा, भीड़ सब बैठी है, आराम से छकी हुई बैठी है। रेशमी सलवार कुर्ता चिड़ी मिड़ी, घर में नहीं है नाज बालक तिड़ी मिड़ी। चुड़क मुड़क और घर में नहीं है आटा बालक रुड़क पुड़क। रेशमी सलवार कुर्ता फटा पड़ा और बुढ़िया गई बाजार बुढ़ा मरा पड़ा। रेशमी सलवार कुर्ता काला है, रक्षा वाले का यार मोटर वाला है। राम प्यारी भाभी भाग गई रे में तो रे जा कुवारा। राम प्यारी भाभी भाग गई रे में तो रे जा कुवारा। कवारा यारो रह गया कवारा। राम प्यारे भाभी भाग गई रे में तो रह गया कवारा। चके चके चके, बहारो धूल बरसाओ मेरा मकसूद आया है, खाने को अमरूद लाया है। अब मेरी भेड़ बकरी आराम से बैठी छकी हुई, इनका मरैया पला इनका कटे कसाई। आज तो काले बकरे ने बहुत परेशान कर रखा है। हाँ, अब कोई ऐसा राग गाना चाहिए जो कि टाइम पास हो, तो सायब सुमरु साड़ में भजनंदी माई
गुड़ दिए मुझे खाने को करूंगा तेरी कढ़ाई। आरी भवानी तुझे ढालू तेरा दूंगा खोपरा फोड़, सब संगी तेरी करे कढ़ाई तुझे रोंदो फिरूंगा रोज। मैंने सुमर लिए थे 10-20, कोई हो मेरा उस्ताद बन जाओ मेरे आके आगे निभा जाओ तीस। मुझे फन्नगर के लौंडे बड़े हैं छेल, सुबह सुबह रखो फिर साइकिल पे दो बैल। अरे भैया वे साइकिल पे बैल नहीं थे, और क्या थे? वो हड़वार थी भाई। अच्छा हाँ। हड़वार थी हड़वार। तो एक के सिंह इधर को देख के इधर को ऊपर से कपड़ा था। हाँ जेबी तो हड़वार थी वो। अब कोई ऐसे डरा गाना चाहिए ढोल लगा, दो बोल ढोल लगे सुनाओ। और जा दिन आवे नरवर का चौधरी मेरी दासी रे, अरे मेरी दासी दिन से तो हो जारे गजबन रात। हिना हिना देह से बांधी हिना हिना पानी, जो चढ़े आई दासी करिए की सवारी। मेरे दासी जाने आए ना बागो मेरे भर तार, ये खोल देखी बढ़िया दासी नरवर के ओर की, खोल देखी बढ़िया दासी नरवर के ओर की, दासी कोई आमने दे ठंडी तो फुवार। मैं तो मर जाऊं मेरे बलमा तो हजारे, मैं तो मर जाऊं मेरे बलमा तो हजारे, मेरी दासीरी बलमा के हुए तेरे बैराग। और हम तो फुल पापी के भी अभी तक गड़न नहीं आई, और काफी टाइम से मुझे भेज दिया है कि जाओ भेड़ बकरी ले जाओ, अभी तक गड़न नहीं आई, खाना लेके नहीं आई, भूख लग रही बहुत ज्यादा। नमस्ते जी। कौन आ गई क्या? हाँ जी हाँ। अच्छा अब तक कहाँ थी तू? मैं घर पे थी। घर पे थी हाँ। काम धाम में लगी रहती है यार, काम धाम में लगी रहती हूँ, और हाँ। बच्चों को खाना वाना खिला के तब आई हूँ आपके पास। हाँ। बस मैंने ले जा खाना ले जा, बस मुझे भूख ही ना, मैं खा ही ना रहा खाना। मैं खाना लेके आई आपके लिए, आप खाना खा लीजिए। ना ना। क्यों? ना मैंने खा लिया खाना। क्यों नहीं खाओगे? खाना ले जा बस, सुबह से भूख लग रही है, तू अब लेकर आइए 12 बजे खाना। एक बात सुनो, कौन सा टाइम है खाना लाने का? नहाने धोने में टाइम लगा रहता है, और मैं खाना बना के तब लेके आई आपके लिए। नहीं नहीं मैं नहीं खा रहा खाना। क्यों नहीं खाओगे? खाना ले जाओ बस, मैं नहीं जाऊंगा खाना लेके। ठीक था बस। एक बात बता रही हूँ, अगर जो खाना ना खाओगे तो आज बात खराब हो जाएगी, देख लो ना। बात क्या खराब हो जाएगी? क्या बात खराब करेगी तू? मैं रहने की नहीं हूँ आपके। ना रहने की? जी ना। तो चले जा फिर। ऐसा आदमी तो वैसे सही थी मैं। अच्छा हाँ चली जाऊंगी मैं। कहाँ जा रही है? चली जा जा। बात देख लो, मेरे तो कलम फूट गए आज आपके आपके पीछे। कलम फूट गए? हाँ जी। अच्छा तेरा कलम कैसे फूट गया? मेरे माता पिता ने तुम्हारी साथ में शादी रचा दी मेरी, तो धोखा ना किया क्या? बूढ़े आदमी के साथ में मेरी शादी कर दी है। अच्छा अच्छा हाँ। तो तेरे बाबा को सोचना चाहिए था पहले, घर के घरियाने घर में कुटुंबदारी में क्यों डाल लो। एक बात सुनो। हाँ सुना। चली जाऊंगी मैं, रहने के नहीं बिल्कुल भी। अच्छा हाँ। जो मैं आज से आपके रहूं तो अपने भैया का रहूं, देख लो ना। अपने भैया का रहूं मतलब कसम खा ली? हाँ जी। तो खैर कोई बात ना, जब तूने कसम खा ली तो हम भी कसम खाओ ले। क्या आज से तू तुझे रखे तो अपने भिन्ना को रखे जाए। ये तो आपको लग गई है। हमारे लग गई? हाँ जी। कोई बात नहीं, सुन ले फुवर, सुन ले मेरी बात सुन ले। हाँ जी हाँ हाँ। अब फुवर नारी का
सन जो गुरे मैंने लिखा कर्म का पाया। सुन ले अपनी तारीफ। सुन रही हूँ। आधा खोटे आधा पिसे आधा तो बखेर नाज, कहीं पड़ी हांडी चपनी कहीं पड़ा आटा दाल, कहीं पड़ा हग्गा मुत्ता कहीं पड़े थोप लाल। अबे उन बालकों को भी सफा नहीं कर सकती है, इतनी गंदी औरत है बच्चों को भी सफा नहीं कर सकती। आधा खोटे आधा पिसे आधा तो बखेर नाज, कहीं पड़ी हांडी चपनी कहीं पड़ा आटा दाल, कहीं पड़ा हग्गा मुत्ता कहीं पड़े थोप लाल। अब तेरे मरो पिहर के लोग तुम्हारे मरेंगे, तुम्हारे तेरे ही मरेंगे, तुम्हारे मरेंगे। तेरे मरो पिहर के लोग रे मैंने बार बार समझाए, झटू पटू चाल चले ना भी मटक रहे, मोड़ पे के झाड़ तेरे लेंगे कुछ पट रहे, गुट्टेदारों ना ओडा बेब ने लटक रहे। तू मर जा, मैं तेरी ससुरी गंदी, मेरा जीवी कच्चा हो जा। ए जी हाँ, नथुनिया है नथुनिया है नथुनिया। झटू पटू चाल चले ना भी मटक रहे, मोड़ पे के झाड़ तेरे लहंगे कुछ पट रहे, गुट्टेदारों ना ओडा भेब ने लटक रहे। अब जो पड़ती तेरे डेढ़ हजार, तुम्हारे पड़ती है मेरी पड़े हैं, तुम्हारे तो पड़े हैं, मेरे पड़े तो मेरे घर चलाए पड़े हैं। अरे जो पड़ती है डेढ़ हजार रे मैंने लिखा कर्म का पाया। अच्छा जाओ, मैं जा रही हूं। मेरे वास्ते गर्म पानी करके रख देना। नहाओगे? हाँ, बहुत अच्छा। भाई साहब। कौन भैया? बात ऐसी है, देखो मैं तुम्हारी बहुत देर से बात सुन रहा हूँ खड़ा हुआ। हाँ। ये तुम्हारी जो भेड़ बैठी है ना, यहाँ से उनको उठा लो, यहाँ को भैया रथ निकालूंगा कर दिए। यहाँ को रथ निकालोगे? हाँ। ये बैठी बैठाई भेड़ तेरे कहने से और उठा दूं? हाँ। शौकीन ज्यादा घना ना, तरकीब मैं बताला दूं। क्या बोलो? तरकीब बताऊं? कैसे? इधर को आगे। हाँ। और नौ को लाके। अच्छा। कहीं कहीं को ले जा। क्या कहा? इधर को आके नौ को लाके कहीं कहीं को ले जा। देख भाई बात ऐसी है। हाँ। ये रास्ता यहाँ को है, मेन रास्ता यही है, यहाँ से तुम्हें यहाँ निकलना है, तुम्हें अपनी भेड़ यहाँ से उठानी पड़ेगी जरूर। तो यो जो उठा तो खैर मैं लूंगा। हाँ। लेकिन तेरी गलती भी नहीं उठा रहा। मेरी क्या गलती भाई? कुम पखानिया गडरे गडरे कह रहा के हैं, दुनिया मेरा नाम ले है और इज्जत से मेरा नाम पुकारती है। भैया नाम क्या है तुम्हारा? तुझे मेरे नाम का ही पता ना है? मुझे तुम्हारा नाम मालूम होता मुझको तो कह देते हैं। सुन ले नाम। बोलो। मुझको कह देते हैं ये जी राम सिंह प्रधान उर्फ मेरे पिताजी। अच्छा, तुम्हारा नाम जो है? हाँ। राम सिंह प्रधान है तुम्हारा नाम? नहीं नहीं, पूरा नाम लो भैया। पूरा कैसे? ए जी राम सिंह प्रधान उर्फ मेरे पिताजी। अच्छा, ऐसे कहना पड़ेगा? पूरा नाम हो जाएगा। अरे यार क्या बातें करते हो, ऐसे कहना पड़ेगा? कहना पड़ेगा। अच्छा भैया, राम सिंह प्रधान उर्फ मेरे पिताजी। हाँ। यहाँ से अपनी भेंट उठा लो, यहाँ तुरंत निकालूंगा। देखो मेरी बात सुनो, इसमें कौन है बोंगे में? हमारी भाभी है। कहाँ से भागी? दिमाग खराब है कैसे? औरतों को भगाने का काम करे? नहीं भैया। हाँ। ये बात तो ही है, हमारे देश में जो बड़े भाई की घरवाली होती है ना। हाँ हाँ। उसको भाभी बोलते हैं। आप हमारे देश में आ गए, हम तो अपनी भाभी को भैया दादी कहे, तुम्हारे देश में आ गए अपनी भाभी को दादी कहो। नहीं तो तुम बोलो, मैं तो नहीं बोलूंगा ना ऐसे। ओ दादी। नहीं, आप कहे भाई हो? हम हो। हाँ। हमें 18। और बहन? बहन है 17। थोड़े रह गए। थोड़े की क्या बात हो गई भैया, उधर हमारी माँ कमजोर होगी, उधर हमने बाबा को डांटा, नहीं मतलब कितने और होते भैया हम। अच्छा, तो बात ये है तुम्हें बात करनी है इनसे? बात कर दे।
अच्छा बैठ, इससे दो बात करा दे। बैठ, मैं तेरी बातें कराता हूँ। हाँ भाभी, बात ये है, जो सामने गडरिया है ना, ये तुमसे दो बात करने चाहता है। मैं खुद बच्चा आया हूँ, इसलिए चलाया। उसके हाथ में लाठी ऐसी मोटी है, तुम नहीं जाओगी ना तो वो दोनों को दुर्या कहीं गिर देगा। बैठो, मैं जाती हूँ। चले जाओ। अरे धीरे रे चलो, अरे धीरे रे चलो, मेरी छल के ना घगरिया गडरिए, धीरे रे चलो, मेरी छल के ना। सर पे घगरी है भारे तो दे गजब की मार, एक तो सर पे घगरी है भारे तो दे गजब की मार, मुझको जाना ईटा खोए जाके लो तू भात मेरी छके ना घगरिया गजरिए। अच्छा गडरिया गडरिया कहती आई, और क्या कहूँ तुम्हें, तुझे शर्म भी ना आ रही है कि शर्म है? मेरे कोम बखान रही है, और क्या कहूँ है, दुनिया मेरा नाम ना लेती, तुझे मेरे नाम का पता ना है, मुझे तुम्हारे नाम का कोई मालूम नहीं है। मुझको कह देते ए जी राम से बधान उर्फ मेरे पिया। अच्छा ये आपका नाम है? ये नाम है पूरा, ए जी राम सिंह बधान। अपनी भेड़ बकरी हटा लो, नाम को बिनामा मत लजावा मत, मेरे नाम को पूरा नाम ले। कैसे? ए जी राम सिंह प्रधान उर्फ मेरे पिया। ए जी राम सिंह प्रधान उर्फ मेरे पिया जी, अपनी भेड़ बकरी हटा लो। ये नाम कहीं का दमक आ रही है, ये मेरा नाम है। ये नाम है आपका? हाँ। इधर कहाँ से आ रही हो? मेरे शहर गुरगबा से। क्या कहा? शहर गुरगबा से आ रही हूँ। क्या शहर गुनगुना से? ए फिर से करके बोलो, शहर गुरगमा। अच्छा, और आगे कहाँ जा रही हो? शहर ईटा खोए। शहर ईटा खोए? जी हाँ। वो क्यों? भात नौतने के लिए। भात नौतने? किसी की शादी तुम्हारे यहाँ? जी हाँ, मेरे लड़के की शादी है। क्या तेरे लड़के की शादी है? जी हाँ। अच्छा, आ क्या तेरे लल्लू भी पैदा हो गए हो? हाँ, मेरे लड़के की शादी है। अच्छा, किसके यहाँ जा रही है? मैं जा रही हूँ निंदना के यहाँ। निंदना के? जी हाँ। अब पता नहीं देना कौन से निंदना के जा रही है। आपके यहाँ कितने निंदना है भैया? हमारे शहर में हर एक बिरादरी में निंदना है एक के नाम का। मुझे गिनाइए, हर एक बिरादरी में निंदना है। मुझे गिनाइए कितने निंदना है। मैं आपको और गिनवाऊं? और जो से मेरा भाई होगा मैं उसी को नाम बता दूंगी आपको। बहुत अच्छा, ले सुन ले। सुनाइए। मैं नाम गिनवाता हूँ। सुनाइए। और तू पहचान कर लेना। जी। और क्या पहल बताऊं तुझको आज भोड़ों पे, और क्या दिल की बता दूं तुझको बात। अरे ललीरी निंदना तो बस है यहाँ पैरी दो चार, ये गडरियो मई। ये भी मेरा भाई नहीं है भैया। ये भी तेरा भाई नहीं है? जी नहीं। अरे दूसरा निंदना यहाँ रहता सुनारो मई। ये भी मेरा भाई नहीं है। बतला दे किसके ज
जा रही बनके मेहमान। निंदनाया रहता सुना रो मैं, ये भी तेरा भाई नहीं है, ये भी तेरा भाई नहीं है जी नहीं। ललीरी चौथा निंदना ठाकुर सरदार, फिर कैसे राज चले मेरे बीरन के, मेरे भैया रे कैसा उनका कुटुम परिवार। भाई के हाल सुनाओ, कैसे राज चलते हैं उनके? तुम्हारे भाई ठाकुर निंदना के हाल बताऊं? और कैसा उनका परिवार है? तेरे भाई के हाल बताते हुए मेरा भी दिल हिलता है। नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, क्यों क्या बात है? कुछ बात ऐसी है, सुनाओ भैया, बतानी पड़ेगी बात, जल्दी से बताओ ना। ले तो सुन ले, सुनाइए। अरे क्या हाल बताऊं तुझको आज ठाकुर निंदना का, ऐसा क्यों भैया? कुछ बताई ना जाती तेरे बीरन की बात जी। अरे ललीरी बन के तो बिगड़ गई ठाकुर निंदना की बात। तुम्हारा दिमाग से खराब नहीं है भैया? सही बात है। नहीं तुम्हारे भाई जंगलों की घास छीलते हैं, जिगर करते हैं। अरे हाय करूं तो जगी जले बेर मेरे कुल जंगल जल जा। अरे बेरे जुबला में हाय समा। अरे बोली तो निकल गई रे गडरिए जी
घर के पास रो मत रो मत तुम्हारे वीरन घात छीनने के लिए आते हैं और मैं अपनी भेड़ बकरी लेके आता हूँ। हेरे काहे को वीर मेरा आवे जंगलों में, अरे काहे को खोदे, अरे काहे को छीन बांजर की रेखा रे, तुम जैसे छीलो बिरन की घात। सही बात है। फाके से ललरी टुकड़ा दोनों को मिलता है ना। भैया तुम्हारा दिमाग तो खराब है। सही बात है, तुम्हारे भाई गरीब हो गए। नहीं भैया। और तुम्हारी भाभी सावल धन है, वो घर घर के पीसने पीसती है। तुम्हारे भाई ठाकुर निंदना जंगलात की घास छीलते हैं, गुजर करते हैं। तुम्हारे भाई गरीब हो गए, अब तो ठाकुर निंदना की बहन है। हाँ भैया। अच्छा तो देख कमला, तुम्हारे भाई ठाकुर निंदना मेरे दोस्त हैं। हाँ। और जयजीत ठाकुर निंदना की बहन है, ऐसी मेरी बहन है। ठीक है भैया। अब तुझे मैं तरकीब बतला दूं। बोला। अरे भातू नो तुले हम गडरियो में, दिमाग तो सही है ना। गडरियों में नौतले भात 360 ये भेड़ू बकरिया, ये सब तुम्हारी है? सब मेरी है, इनका मरिया पले। अरे 360 मेरी भेड़ू बकरिया ललीरी बेच के बर्दू गुरा घुमा भात, सब बकरी भेड़ रखने गुरा घुमा भात भर दूंगा, चिंता मत करे। नहीं भैया। हेरे जुगी जुगी जियो तेरी बेटी बकरिया। आ चलो नोतलो, हमारे यहाँ नोतलो कि नहीं। अच्छा। अरे सुख से बसो रे हेरे तेरा परिवार, मेरे भैया रे निंदना कई जाके नोतूंगी मैं भात। भैया मुझे अपने भाई नहीं जाना है। मेरे यहाँ ना नोतने की नहीं। पर
और कुछ कहना है? तेरी मर्जी है मत नौत है, वो तो तेरी मर्जी, हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन याद रखिए, आपको निंदना तेरे भाई जंगलात में घास छिलता हुआ मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक और बात बता दे, बोला ये तेरे साथ में जो गोरा गोरा ये कौन है? ये मेरे देवर है। अच्छा तेरा देवर है? जी हाँ। ये भेजिए दो मुट्ठी, मजाक करूंगा साले से। ये भैया वो मजाक नहीं करते, वो ना करते तो मैं तो करूँ हूँ, ठीक है। जैसी आपकी मेरा तो रिश्ता, ये मजाक करने का तो मेरा रिश्ता है ना, ठीक है। भेजिए इसकी बहन के आप मत। भाभी क्या बात है, क्या परेशानी है? तो हमारे गांव का गठेरिया निकला, तो मैं क्या करूं? एक काम करो। क्या? इनके पास होकर आओ, तुम्हें बुलवा दे। इनके पास जाऊं? थे मैं इसके पास नहीं जाऊंगा। विजय सिंह ऐसा कुछ नहीं है, एक काम करना। क्या? पहले जाके राम राम कर लेना भाती साहब, राम राम। जाके पहले राम राम कर लूं भाती साहब, राम राम। जी हाँ। उसके बाद कुछ नहीं कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। बहुत अच्छा, चलो। आइए भाती साहब, राम राम। क्या कहा? भाती साहब। मैं तुम्हारा भाती कैसे हूँ भाई? ये रानी कमलावती तुम्हारी क्या लगती है? ये हमारी भाभी लगती है, हमारी बहन लगती है, तभी तुम्हारे भाती हुए तुम। अरे यार तुम्हारा दिमाग खराब है कैसे? कमला सुनो। हाँ। ये तुम्हारी बहन लगती है? बहन लगती है। तुम्हें मालूम है? मालूम है। तो भैया जब ये तुम्हारी बहन लगती है, ये मेरे बड़े भाई के घर में है, मैं तुम्हारा बहन हो गया, तभी तो तुम्हारा हुए तुम। मैं तुम्हारा जीजा हो गया भाई। मेरे समझ में बात आ रही है। अच्छा तो मैं लौंडे से मालूम करूंगा। कमलावती कहिए भैया, पायनों के पिताजी क्या लगे तेरे? मेरे ससुर लगते हैं। तेरे ससुर लगे हैं? जी हाँ। और तुम्हें क्या लगे? मैं तुम्हारी बहन लगती हूँ। मेरी बहन लगती है? जी। तो जैसे तेरे ससुर ऐसे मेरे ससुर ना हो गए? उनकी अम्मा क्या लगी? वो मेरी सास लगती है भैया। सास लगे? जी हाँ। तो मेरी बहन ना? जी। तो जैसे तेरी सास ऐसे मेरी सास, पाने की बहन मेरी, वो दो हो गई। ऐसे नहीं भैया, मैं समझाती हूँ आपको। और समझा भैया, जैसे कि मैं तुम्हारी बहन हो गई। चलो तो मेरी बहन है ही, है ना? हाँ। वैसे ही मेरी नंद तुम्हारी बहन लगती है, हम दोनों तुम्हारी बहन है। दोनों? जी हाँ। तो एक तरफ घुट जा, पाइन हो गई। एक मिनट को आगे बढ़ियो, क्यों जी पाइनो, सही बात है ये? सही है। ये तो मेरी बहन है कमला। हाँ। तुम्हारी बहन भी मेरी बहन, तुम्हारी बहन हो गई। दोनों? दोनों। तो जब दोनों मेरी बहन हो गई, तो हमारी बहन से ब्याह क्यों करा साले, अपनी बहन से ब्याह कर लेते। उल्लू के पट्टे आमना सामना नहीं होते ये काम। अच्छा आमना सामना ना रख के कर दे। चले जाओ हटो। अच्छा जाओ। चलो हट जाओ भाभी। चलो चलिए। अरे सीधी लगा ले ईटा खोए की, ईटा खोए का अरे लगा ले ध्यान, मेरी भाभी चल के देखे साले तेरा। होले होले रति को बढ़ाना, देवर मेरे जाके नौते निंदना घर भर। धोनी धोनी बदिया वो जिनके मोड़े मोड़े सिंगा। चलिए
अपनी भेड़ चराता हुआ विजय सिंह और कमलावती को मिलता है। पूरा पता निधना ठाकुर का राम सिंह नाम का गडरिया सब बता देता है। अब इधर से फिर अपना रथ हाँकते हैं, विजय सिंह कमला को बिठा कर रथ में चल देते हैं धीरे धीरे। देखिए भाई, ये खेल है हमारा गरीबी अमीरी, भाई बहन का प्यार, अमीर बहन और गरीब भाई। धीरे धीरे चलता फिर सैरिटा खोए के लगभग पहुंच जाता है। रास्ते में निर्णय ठाकुर हाथ की गठिया ले जाते हुए रथ के सामने आते हैं। इधर से वीर सिंह का रथ, उधर से निर्णय ठाकुर, दोनों की बात अब आप सुनिए। अरे होले होले मैं रथ को बढ़ाऊं। ठीक है विजय सिंह, मेरा पमन की चाल, मेरी भाभी चल के देखे साले के राज। उठा मेरे हिरैया कुमार का, सही बात है। अरे लोहागढ़ की बपूरी है मां, मेरी भाभी चल के देख साले तेरा। क्या बात है भाभी, फिर भूडो पे आके तुमने रथ रोक दिया? भाभी हमारे सामने घसियार आता हमारी बतिया चौक तीर से, आप बैठो। ठीक है जी, बचा मैं उसके जाता हूँ और बचा के आता हूँ। ठीक है, जाइए बैठो, जाइए बचा के आइए। बहुत अच्छा, नमस्ते बाबू जी। नमस्ते नमस्ते, और ठीक ठाक? हाँ ठीक है। फैसला खैरियत हो बाबू? बिल्कुल सही है। लो क्या बीड़ी वाली पियोगे? क्या तुम्हारे पास मंडल है? अरे सरकार, मुझ गरीब के पास काहे के लिए मंडल मंडल रखे हैं। और आप जैसे बाबू लोग इस रास्ते से गुजरते हैं, आप लोगों से एक आध बीड़ी मांग करके आप लोगों का स्वागत कर दिया करता। क्या कहने आपके, हमसे मांग लेता है हमारे सामने बाद में पेश कर देता है। जी बाबू जी, और क्या है तुम्हारे पास में? और क्या है गरीब के पास, क्या है और भी है? क्या है? ये रोजी का सामान। क्या दिखला सकते हो? हाँ लो देख लो बाबू जी। भाई वाह, ये सामान ठीक है, आपको ही मुबारक हो। अब एक काम करो। बहुत अच्छा, रास्ते में तुम खड़े हो,
और मेरा भी रथ सामने खड़ा है, यहाँ शहर जाओ, यहाँ कुमना रथ निकालूंगा। अच्छा, आपको परेशानी है? हाँ, परेशानी है कि आपकी बदिया भूखी है। बदिया भूखी है, आपका रास्ता छोड़ दो। रास्ता छोड़ दीजिए, ये लो, ये लो, इस पे लेट और जा। वो क्यों बाबूजी? तेरे ऊपर को रथ का पहिया उतार दूंगा, और क्यों? अरे सरकार, उस गरीब के ऊपर पहिया उतारे से आप लोगों को कुछ मिलेगा? मैंने तुम्हें हटना कहा था। बाबूजी बोल, मुझे कुछ बातें आपसे मालूम करनी है। क्या मालूम करना है? आप इधर कहाँ से आ रहे हो? हम आते शहर गुरगमा से। ओ, शहर गुरगमा से? हाँ। आगे कहाँ जाना है? ईटा खोए। ईटा खोया किसके यहाँ? ठाकुर निंदना के यहाँ। और किसके यहाँ? ओहो, ठाकुर निंदना के यहाँ। हाँ। वो क्यों बाबूजी? भात नौतने के लिए, और क्यों? अरे मेरी किस्मत, आज ठाकुर निंदना के यहाँ भात नौतने की तैयारी। चलो, हमें क्या मतलब बाबूजी? बोलो, आपके यहाँ कोई खुशी होगी? हमारे भतीजे की शादी है, इसलिए ठाकुर निंदना के यहाँ भात नौतने के लिए जा रहे हैं। हाँ। बहुत अच्छा बाबूजी, एक बात और मालूम करना चाहता हूँ, पुराना मालूम। क्या मालूम करना चाहते हो बोलो? आप शहर गुरगमा में रहते हो, तुम कै भाई हो? हम दो भाई हैं। दो? दो। तुम छोटे हो बड़े हो? वो मुझसे बड़े मनचक छोटा हूँ। बड़े वालों का क्या नाम? दिमाग खराब है कैसे पीछे की बात करता है? अच्छा बाबूजी, क्या पूछता उनका नाम? यहाँ खड़ा हो जाऊंगा सरकार। क्या नाम मालूम करना चाहता है उनका बोल ना। वो बड़े वाले जो है उनका नाम क्या है? राजा धीरा उनका नाम है। चौंकता क्यों है? अरे सरकार, चौकना उकना क्या है बाबूजी? ये नाम मैंने आज बहुत दिनों के बाद सुना है। कैसे सुना है बताइए? अरे सरकार, कभी राजा धीरा मेरे पहलू का नाम। ओ बदतमीज कमीने पागल, वो एक राजा है, तू जंगल का घस्यर है, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, एक वो राजा। हाँ, तू जंगल का घस्यर है। ठीक है बाबूजी, चलो ऐसा है। और कुछ पूछना है आपको? पुराना मालो क्या? तो ये साहिरत जो खड़ा हुआ, इसके अंदर कौन है? हमारी भाभी कमलावती। और कौन है? जो ठाकुर निंदना की बहन। हाँ, जो उनकी बहन है। सरकार, रिश्वत किसे एक दो बातें गरीब की करा। क्या बातें करता है पागल, जो कहना है मुझसे को। सर, आपसे भी कोई शिकवा शिकायत नहीं है? जिस शहर में ये लड़की भात नौतने के लिए जा रही है, मैं गरीब भी उसी शहर का घसेरा हूँ। हो सकता है लड़की मेरी बहन भांजे में लगती हो, इसलिए इस लड़की से एक दो बातें गरीब की करा दो, आपकी मेहरबानी। ठीक है, जब ये लड़की अपने भाइयों की राजधानी में उस किले में पहुंच जाएगी ना, वहाँ जाके चार बात कर लेना, मैं तुझे कोई बातें ना करने दूंगा। अरे वाह बाबूजी, जब ये घास की जाली जंगलातों से खोद करके शहर को गुजरता हूँ, तो बाबूजी मुझे कोई शहर में न घुसने देता। क्यों? जब ये लड़की अपने भाइयों की राजधानी उस किले में पहुंच जाएगी, तो मुझ गरीब के लिए क्या हुक्म? क्या हुक्म है? अरे सरकार, मुझे कोई बात ना करने देगा। ठीक है, गरीब आदमी है, मजबूर है। चल बैठ, मैं तेरी बातें कराता हूँ। बहुत अच्छा भाव, बैठ। चल पागल कहीं। भाभी विजय सिंह, मैं खुद हटियाया हूँ। बचा के नहीं आए? नहीं, मैं खुद बचाया उनसे। वो क्यों? वो इसलिए। इसलिए तुमसे दो बात करनी चाहता है। क्या कहा? मेरे से दो बातें करनी चाहता है? हाँ। एक बात और है। बोलो। रात के अंदर अटैच रखिए नोटों की, जो 10-5 हजार का तुमसे सवाल करे ना, तो जाके दे देना। विजय सिंह, मैं भात नौतने के लिए जा रही हूँ, समझे? किसी को रकम बांटने के लिए नहीं जा रही हूँ। जा सकती हो, चली जाओ। ए जी बैठे तो रहना देवर, ए जी तुम्हें रात में
राजा धीरा की दौलत पर बहुत गरूर था। अपने भाई गरीब की पहचान नहीं करती है और मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है कमलावती। वो गरीब भाई फिर भी उठ करके बहन से विनती करता है। सुनिए क्या कहता है नंदना ठाकुर आपके सामने और क्या कमलावती कहती है। अरे बहन, मैंने जो नमस्ते की है वो आपसे ही की है। ले तो नहीं है, मेरा कोई ऐसा भाई नहीं है, समझा? आपका कोई ऐसा भाई नहीं? जी नहीं। चलो कोई ऐसी बात ना है, अगर आपका कोई ऐसा भाई नहीं है जी, तो मैं गरीब एक दो बातें आपसे करूं तो आप बुरा तो ना मानोगे? जो भी मालूम करना है छीदो के करना है, बोलिए क्या मालूम करना चाहते हो? अच्छा लो, मैं इधर खड़ा हो जाऊंगा। कुछ मालूम करना है? बोलो क्या मालूम करना चाहते हो? आप इधर कहाँ से आ रही हो? शहर गुरगमा से आ रही हूँ। और आगे कहाँ जाना है? शेर ईटा खोया जा रही हूँ। ईटा खोया? जी हाँ। किसके यहाँ? ठाकुर निंदनपाल के यहाँ। ठाकुर निंदनपाल के यहाँ जी। वो क्यों? भात नौतरी के लिए जा रही हूँ भैया। आपके यहाँ कोई खुशी है? मेरे लड़के की शादी है। अच्छा, आपके लड़के की शादी है? जी हाँ। इसलिए निंदना के यहाँ भात नौतरी के लिए जा रही हूँ? जी। निंदना तुम्हारा भाई है? मेरा भाई है। और तुम निंदना की बहन हो? मैं उनकी बहन हूँ। तुम्हारा क्या नाम? मेरा नाम है रानी कमलावती। कमलावती बोल, क्या तुम अपने भाई निंदना को पहचान लोगी? ए नाना, ऐसी वो कौन सी बहन है जो अपने को लगती है, अपना अपने को दूर से पहचान लेता, समझा? सगी बहन कह रही है कि अपना अपने को दूर से पहचान लेता। अरे मेरी किस्मत, तू बात पड़े, तू बड़ा हाथ पड़े तेरे ऐ कुदरत वाले, और तेरे मोहताज है ये सारी दौलत वाले। शिकायत क्या करूं, चारों तरफ गम का फसाना है, मेरे आगे ये मोहब्बत है, तुम्हारे आगे जमाना है। मुबारक हो ऐ बहन तुम्हें ये मजबूरियां मेरी, मुझे तो जिंदगी भर प्यार से वायदा निभाना है। अरे क्या पहचान करोगी ये तुम निंदना की, दौलत में अंधी हो रही हो हमसी, जो तुम्हें करनी है अपने मैया जाय की पहचान, तो इतना करिए ऐ कमला मेरे कहने से काम। अरे मेरी मैया जाय कमला, तेरे भैया तो खड़े हैं तुम्हारे पास। सारे कपड़े गंदे कर दिए, सारे कपड़े सीधा के बाद नहीं कटा नाला कहीं का। We'll be right back.
विश्वास नहीं करता नाला कहीं का। नजरा खोलो हर कर लो पहचान, सामने खड़ा है मैया का तेरी ला। ए नाला हम पहचान कर ए! मैं तेरा भाई पकड़ूंगा। किस्मत का गया डूब सितारा रे लोगों, नहीं देता जमाने में कोई सहारा रे लोगों। चांद और सूरज सब बन गए दुश्मन, मौत ने भी किया है किनारा रे लोगों। दीवाना दीवाना नहीं तो क्या है, जंगलों में तू कह रही थी दीवाना। कह रही हूँ है दीवाना कहता, मुल्ला की तमा। तो क्या बदल गई है दुनिया ही नहीं बदल गई। जो भी तेरा चिदो का कहते रहो। दुनिया ही बदल गई नहीं गुरगमा माली। अरे या जा मिलने मेरी मैया की जान। ए ना ना चिदो के बात कर। ए मिल क्या ना लेती है, ये भैया की नैया ढोल गई सितारे, फिर नीचे गिर जाए गोटा किनारे। कर ले
मैं तेरा भाई जा। वाली बात बता ताकि मैं तुम्हारी पहचान कर सकूं। ओहो, अभी पहचान ना हो पाए जी? नहीं, अगर मैं कभी राजा था जी हाँ, तो राजा वाली बात तुम्हें बताऊं? राजा वाली बात मुझे समझाओ ताकि मैं तुम्हारी पहचान कर सकूं। कमला बोलो, जंगलों को घसे रहे, जो भी कहना है छिदों के कहना, कहती हूँ नहीं बोलो, जो कहना है कहिए। राजा थे तो कैसे कैसे थे बोलो, पहचान कर लो मैं राजा। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, तारीफ मुरली की करूं या मुरलीधर कन्हैया की। जहां ना काम चलता था तीरों और कमानों से, विजय दिन होती तेरे भैया की तलवारों की तानों से। जब राजा थे लगते थे हजारों के गले, आज गरीब है तो अपने कनारे ही। मुझे राज की बात सुन लो मैया जाई, सुनाइए मैया जाई मत कहना। दो भैया थे मेरे चचेरे, जिनका ऊरा भूरा था नाम, जिन्हें छोटों को छोड़कर मर गए थे माँ बाप। पाल लेते तेरी भाभी सावल धन ने, है कोई तुम्हारी भाभी है? आज के दिन दोनों लड़के हो गए थे जवान, और एक दिन ले गए थे मुझे रंगी चमन में। आपको जुए के चक्कर में लिया था दोनों लड़कों ने मुझे फांस जी, उसी टाइम हार गया था मैया जाई जुए में सब राज और पाठ। हाँ। उसी टाइम ताल लिया था दोनों लड़कों ने मेरे सर पे से सुनहरी ताल। फिर क्या हुआ? फिर हुक्म लगा दिया था मेरे चचेरे, अरे भाइयों ने क्या, अरे रहने को दे दी थी मुझे टूटी खुर्सा। Yeah.
कमलावती कहिए, पहले पहचान की और फिर रिश्तेदारी खत्म कर दी। खत्म कर दिए? तेरे भैया से कोई गलती हो गई मैया जान? ए आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। अन्ना मैं तेरी बहन हूँ। कमलावती चलो, जब मेरी बहन नहीं हो ना मैं तुम्हारा भाई हूँ। जी हाँ। एक बात बता दो। बोलो, क्या मालूम करना चाहती हो? तुम्हारे लड़के की शादी है। हाँ। और भारत लौटने के लिए जा रही हूँ। जा रही हूँ तो कमलावती, इस गरीब भाई से नाता तोड़ करके अरे किसके तू ढुलकिया मेरी पहला अरे बजेगी फाट की कला। इस सगा भैया को छोड़ के किसके जा रही है? सबके दरवाजे बंद, ऐसा कुछ नहीं। मान जा दुखिया कोई ना होता नहीं किसी का। अरे कोई ना देता है, अरे कोई ना देता बिगड़ी में सा। अरे मत ना जाइए तू भैया चचेरों के, अरे भाजनो तू भी मैं भैया चचेरों के। चल का नाथ ले नंगेरे मारू कमर में तेरी रे हटता नहीं है नादा कहीं का सहता। कमलावती, कमलावती अपने भाई को ठुकरा देती है। उसे ये मालूम नहीं था वक्त पर ये गरीब भाई तेरे काम आएगा। वो सही बता है, नार नहीं नारंगी है, नारंगी नहीं रसरंगी है। ढकले तो फूल को ढकले, वरना नंगी की नंगी है। चमन लड़ता हो पतझड़ से, हृदय में खेद मत करना। धर्म की रंगवीनता से परस्पर भेद मत करना। तुमसे वतन, वतन से तुम मेरे बहके हुए फूलों के जिस थाली में खाया उसी में छेद मत करना। कमलावती अपने भाई को ठुकरा देती है। सुनिए वो गरीब भाई फिर उठ कर के विनती करता है बहन से। हाँ, क्या कहते हैं निंद्रा ठाकुर और क्या कमलावती, दोनों की बात? अरे मैया जाई, बोल क्या कहना है? अपने सगे भाई को ठुकरा दिया बहन। हाँ ठुकरा दिया है। ठीक, कमलावती ये गरीब भाई तेरे चरणों के आगे बैठा, इस गरीब का कोई रक्षक नहीं है। अगर तेरे दिल के अंदर और दिलासा है हाँ तो एक दो ठोकर और कमर में मार मेरी बहन। अगर ठुकराने का काम करेगा तो और ठुकरा लूंगी, समझा? हटता नहीं है शैतान कहीं का। देखिए किस्मत की खूबी,
देखिए किस्मत की खूबी है दिन बुरे आने लगे, जिन्हें थी फूलों से नफरत अब वे ठोकरे खाने लगे। आंख दी बंदे को ठोकर से बचाने के लिए, अरे दी जुभा सबको प्रभु के गीत गाने के लिए। दो हाथ इंसा को दिए देने और दिलाने के लिए, ये पैर दोनों पाए अच्छी रहा जाने के। दिल दिया है ये दिल दिया है बेकसों पर रहम खाने के लिए, अरे ये सब दिया है मालिक ने कदमों पे झुकाने के। ये नाला कहीं का, अरे मेरी मैया जाई कमला क्यों टूटी कमर में, तो मेरी कमला। ये नाला सीधा होके बात कर, जो भी बातें करनी है। सो भर करके मैंने तेरे दहेज में और तुम्हारे ताने देरा शैतान अली अगा जली घोड़ी रे मैं धीरा को दी थी। जब तेरी सदके चढ़ी थी परा और तुम्हारे चने देता है, शर्म नहीं आती तेरे को? 500 बधिया माल की भर कर। हे रे 500 बधिया तूने सोबे में दी थी। मैंने दी थी कमला, दी थी मैं, मना नहीं कर रही हूँ। हे रे 500 बधिया तूने सोबे में दी थी। हे रे अगाजनी घोड़ी मेरे बहाने को दी थी। दुनिया में तेरा सुना है नंगे, ठीक है बहन ठीक है। दुनिया में तेरा चल रहा नामे नंगे रे उठ पे क्या कुछ क्या एहसान क्या एहसान क्या सुने मुझे। ठीक है कमला, कहिए सुने लेने के लिए अब हमारे पास क्या। एक बात का ध्यान रखिए। बोलो। अरे दौलत वाले घर तेरे दौलत देंगे, दौलत ना है इसरे निंदा भैया के पास। एक दिन आवे गाये तेरे शहर गुरगवा में, आके भरेगा तेरे मन पे भात। बोल। ए मेरी मैया जाई, घास के अलावा दौलत ना तेरे भैया के भी पास।
और तेरे भैया पर कुछ नहीं। आओ चलो, मैं ठोकरे खाने के बाद तुझे अपना। मुझे नहीं जाना है, मुझे उरा भुरा के जाना है। उरा भुरा के? जी हाँ। एक बात का ध्यान करो, अरे चाय कोई भरी हो घर तेरे कंचन मोती, अरे चाय कोई भरी हो घर तेरे कंचन मोती। हे बिन निधना के तेरे सोबाना होगी, देखा जाएगा। ओ निधना बिना, अरे निधना बिना ना चढ़े पारा। चल जाओ नैया शंकर लगा दे पा। जा रही हूँ। ठाकुर कसम खा लेते हैं, कहते हैं कि बहन मेरे पास ये घास ही है और घास ही मैं भात में दूंगा। ये कसम खाते हैं निंदना ठाकुर। कमलावती, कमलावती सोचती है कि मेरे भाई जो हैं उरा भुरा उनकर भात न उतना है, ठुकरा देती है। उधर विजय सिंह रथ में बैठे थे, सोचते हैं विजय सिंह कमलावती ने ठुकरा दिया। वो आते हैं और क्या कमलावती से कहते हैं और क्या कमलावती विजय सिंह से कहती है, दोनों की बात सुनिए। विजय सिंह, भाभी भाभी, देवर देवर। भाभी कौन था ये? ये हमारे गांव का घसेरा था। अच्छा, ये तुम्हारे गांव का घसेरा था? हमारे शहर का घसेरा था ये। तो तुम मिलिए इनसे? मिलकाई हूँ। अच्छा जी हाँ। कैसे मिलकाई हो? कमलावती एक बात सुनो भाभी जी, मैं समझ गया कौन था ये, तुम्हारे गांव का घसियारा नहीं था ये। और कौन था? ये तुम्हारा भाई था। चलो मेरा भाई था यही समझो। अपने भाई से ठोकर से नहीं मिला जाता है, ऐसे से ऐसे मिला जाता है। एक काम करो आप बैठो जी, मैं इनसे मिलकर आता हूँ। जी नहीं, नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, मैं इनसे मिलूंगा। बात कर सकते हो, दूर से कर सकते हो, करीब से नहीं। चलो ठीक है, मैं दूर से बात कर लूंगा, आप चल के बैठो, देखा जाएगा। चलो बैठो। मैंने क्या कहा है? हाँ हाँ, समझ रहा हूँ तुम्हारी बात में, वही होना है। हाँ हाँ, इस टाइम मेरे कब्जे में हो ना। समझ तो रहा हूँ तुम्हारी बात, बैठ तो जाओ। चाहिए? चलो हट जाओ। अरे नाराज कर आई मेरे भाती को, अरे साले को कर आई मेरी भाभी नाराज। चलूंगा मैं भाती से, भैया जी का मिला मारिया कमर मेला, बाबूजी मैं अपनी जाली उठा करके और इधर रख दूंगा। ठीक है, हमारी भूल हो गई, हमारी गलती है, हमने पहले कोई आपकी पहचान ना की। मेरी बात सुनिए जी, आज मेरी सुन लो यहाँ पर बात। ये राज लगा के चलते शहर गुरगमा से मेरे भाती, के जाके देखूंगा साले के राज,
मेरे भातीजी दिल के दिल में मेरे रह गए रे अरमान। सब लोग मेरी मजाक करते हैं, सबकी बातों के लिए बर्दाश्त कर लिया करो। देखो मैं तुम्हारे दिल ले गया, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे मिल रहा हूँ। मिलाए के लिए तो जमाना गुजर वो कैसे बड़ी बेताबी से सब कटी है बीमार है फुरकती, खुदा दुश्मन से दुश्मन को ना दे ए जान गरीब पति। कौन सी सब है जो रो रो के नहीं करती है, शाम उधर होती है तो छाती इधर फटती। किसे अपना बनाए जिसे अपना बनाए कोई काबिल नहीं बनता, अरे उनसे क्या मिले जिनसे हमारा दिल नहीं और मिल भी लेता। बाबूजी क्या परेशानी है, मैं खुद मजबूर। क्या बात है बोलो, लत्तों से बू आ रही है सर। मुझे कोई बू नहीं आ रही है। अरे मैंने तो जंग रे तेरे ये सलमा तो सीता से वो आ रही है। नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, इधर बैठा। कोई लत्तों से पूनी आ रही, तुम्हें मिलना पड़ेगा, मैं तुमसे मिल रहा हूं, बिल मिलने नहीं जाऊंगा तुमसे। जिस तरह से बहन के आगे बैठा था, इस तरह से तुम्हारे चरणों के आगे बैठा जाता हूँ। एक ठोकर मेरी बहन मार के चली गई, दूसरी बार आप भी ठुकरा लो जी। नहीं नहीं ये बात नहीं है। अरे मिले ना हो तो तू मिल लो रे ठोकर से। Good.
जी जिस तरह से बहन के आगे बैठा था इस तरह से तुम्हारे चरणों के आगे बैठा जाता हूँ। एक दो ठोकर आप भी मारो और कमर में लात मार के चले जाओ सर। ये बात नहीं है। और अजी क्यों तुम रो रहे, क्यों तो रुला रहे? अरे रोने का तो अजी वक्त है ना मेरे भातीजी, मिल लो मेरी सरकार। बाबूजी बोलो, आप बेकार परेशान हो रहे हो, ऐसा करो कैसा बहन भात नोतने जा रही उरा भूरा के यहाँ, वहाँ आप मिलाई कर लेना और मैं ये घास की गठिया बेच करके कुछ खाने पीने। नहीं सुनो, मुझे उरा भूरा से कोई मतलब नहीं है, मैं तुमसे मिल रहा हूँ, तुमसे मिल के जाऊंगा। जीजा मुझे मजबूर कर रहा। नहीं नहीं ये बात नहीं, तुम्हें मिलना पड़ेगा। मिल भी लेता मैं खुद मजबूर हूँ। किस बात से? कोई पोशाक मेरे तन पर नहीं जिसे मैं पहन करके आपके साथ मिलाई कर सकूं। क्या तुम्हारे तन पे कोई पोशाक नहीं? इन लत्तों से बो आ रही। लो एक काम करो, ये पोशाक मेरी ओढ़ो और मुझसे मिलाई करो। ओह ये क्या किया? अपनी पोशाक दे के तुम्हें राजा बना दिया। अरे वाह जीजा, ये पोशाक आपने मुझे दे दी। जी हाँ, ये पोशाक मेरी हो गई। ये तुम्हारी हो गई। अरे वाह, अगर ये पोशाक मेरी किस्मत में होती तो ये मेरे घर से ले जा। ये बात नहीं है, ध्याना जो होता है देवता के सामान होता है, ये पोशाक मुझे रखनी अच्छी नहीं। जीजा मोहब्बत ने दिया जो गम तो सहना ही पड़ता है, कहां तक दर्द दिल में है तो फिर कहना ही पड़ता है। अरे लो मेरे जीजा मुझे ना चाहिए ये ध्यानों की साई पोसा। पोशाक मुझे अच्छी नहीं। क्यों? ध्याना होता है देवता के सामने, पोशाक आपकी है जीजा। अच्छा बोलो, अब मुझे मजबूर कर रहे हो? तुम्हें मिलना पड़ेगा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो लो जब आप नहीं मानते मैं मिलाई के लिए तैयार। आइए। लगी है आग दिल में, लगी है आग दिल में, आग से आंसू बरसते हैं, पड़ी है जान पर हम तुमसे मिलने को तरसते। अरे वाह, कभी नहीं हो सकता। कमलावती इतना दिमाग खराब है? क्यों नहीं पागल, मिले नहीं मिलने दिया। मैंने कहा था मैं मिलने नहीं दूंगी। एक बात सुनो। बोलो। एक माँ बाप से दोनों पैदा हुए, तुझको उल्फत नहीं तुझको चाहत नहीं। जी नहीं। पैर की ठोकर से भाई मारा मेरे सामने, तुझको भाई की अपने मोहब्बत नहीं। मुझे बिल्कुल नहीं है। तू
तेरा ये कंगाल है, ये गरीबी नहीं तेरे काम आएगा। तेरे काम नहीं आएगा कहना मेरा, वरना पछताएगी। कौन सा है तेरा यार काम आएगा? होश में बोलो, होश में जर की खाती न कर, मोसे जर और जबर, साथ में कोई दौलत न लेकर गया। हम तो लेकर जाएंगे। पास में भाभी, उसके एक कौड़ी न थी, भाभी जिस दम यहाँ से सिकंदर गया। चले थे तो मैंने तुमसे कहा था, जब 10 कहल में तुम्हारे करूंगा, एक कहन तुम्हें मेरा करना पड़ेगा। तो ये कहना मैं आपका बिल्कुल नहीं करूंगी। एक बात सुनो। बोलो। अरे अरे मेरी भाभी री, अरे नींद ना कहीं ना तिलिए चल के तू भाग। नहीं है, मैं इनसे मिल के जाऊंगा। और अभी मिलने नहीं दूंगी। देखो मैं दूर से मिल लूंगा, जब ऐसी बात कर सकते हो। बात कर लूं वो भी दूर से कर सकते हो। बात दूर से ही करूंगा। ठीक है जा सकते हो। बहुत अच्छे। देखो तुम्हें आना पड़ेगा, मैं तुम्हें अपने लब से नोता हूँ। 11-12 तारीख है, बुध मंगल का रोज है, तुम्हें आना पड़ेगा। जीजा जब बहन नाराज है तो मैं नहीं आऊंगा। नहीं तुम्हें आना पड़ेगा। अच्छा नमस्ते। अच्छा हमारी चलो जब ऐसी बात है तो आ जाऊंगा। कैसे आ जाएगा? नहीं जा। क्यों नहीं आएंगे? क्या बात हुआ? चलते समय गरीब की कोई गुजारिश
तुम्हें आना पड़ेगा, मैं तुम्हें अपनी तरफ से नौता हूँ। आ जाऊंगा। ठीक है। आ कैसे जाएगा, क्योंकि लड़का हमारा है। हाँ लड़का तो तुम्हारा है, ठीक है तुम्हारी बात। जीजा जब बहन नाराज है तो मैं नहीं आऊंगा। अच्छा बोलो, कुछ कहना है? चलते समय मेरी कोई गुजारिश है। बोलो क्या है? अरे जब पहुंचोगे अपने शहर गुरगवा में, इतना करियो मेरे कहने से काम, गोद में लेके मेरे हिरैया भांजे को, और नगरी वालों से कहियो मेरी दुआ सलाम। एक काम जरूरी है जीजा। कौन सा? अरे जाते ही भेज दिए रे मेरे बड़े जीजा तोरे। बात तो ये बोलो, साले हो गए अरे गुजरा रे जमाना रे जीजा ठाके निकला तारे। भाभी देवर देवर, अब कहाँ चलना है तुम्हें? अब हमें चलना है ऊरा भूरा के घर। अच्छा ऊरा भूरा के यहाँ जाके बात होगी। एक बात तो बताओ। बोलो। उनके मकान किस सामने है? उनके मकान, उनके कमरे 50 सामने हैं। अच्छा 50 सामने हैं? जी हाँ 50 सामने जो कमरे उनके हैं जी, वे शराब पीते कबाब खाते हैं, वो इंसान की पहचान नहीं करेंगे तो मेरी पहचान क्या करेंगे? जी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कर सकते हैं। एक काम करना है। क्या? उनसे जाके कहना भाती साहब राम राम, ठीक है ना? भाती साहब राम राम, बस ये कहना है मुझे जाके। हाँ तो एक काम करो जी, तुम बैठो, जा रहे हो उनके पास, जाते जा रहे हो। हाँ सच बस जाइए इधर से। विजय सिंह और कमलावती, विजय सिंह और कमलावती का रथ उरा भूरा के पास जाता है। वही उरा भूरा जिन्होंने नृत्य ठाकुर को जुए में हरा कर राजपाट छीन लिया है, वही उरा भूरा शराबी आपके सामने आ रहे हैं। सुनिए उरा भूरा दोनों शराबी आपके सामने आ रहे हैं, उधर से कमलावती विजय सिंह। अब यहाँ बातचीत सुनिए दोनों की। उरा तेरा काम करूंगा पूरा, देखो दो कंठर से कम नहीं पीता, अगर जो कम रह जाती है तो खून का दौरान बंद हो जाता है। उरा दारू बहुत पीता है। मेरे कहने से ये काम करो, मेरे पीने का और भी इंतजाम करो। फुल रात बर्बाद कर दिया। एक दो बोतल से होता है क्या, आज तो कुल पखाना मेरे नाम करो। मैं खाना? हाँ मैं खाना, मैं अबे खाना। कल का पीना बेताब कर गया, कल का पीना बेताब कर गया, और मैंने देखा तेरे मुंह पे कुत्ता पेशाब कर गया। मेरा भैया कह रहा है कि कल का पीना तुझे बेताब कर गया और मेरे मुंह पे कुत्ता पेशाब कर गया। कल का पीना तूने बताया नहीं,
कल का पीना तूने बताया नहीं, बड़ी गलती की जो कुत्ता हटाया नहीं। मैं क्यों हटाता? जब परसों मेरे मुंह पे कुत्ता मूत रहा था तेने नहीं हटाया देखो। तो मैं क्यों हटाता? मैंने सोचा भैया का नशा उतर गया, उतर जाने दो। हाँ वो तो सही बात है, मेरी बात सुनो, जब से निंदा का राज जीना है मस्ती कट रही है, कई अंडे खा रहे कई मुगरे खा रहे और भैया कई बेहिसाब पी रहे बेहिसाब। देखो एक गाना है, गाना गाना गाने वाले बुला लो अभी है। ये रंगीन पानी किसने पिला दिया, ये रंगीन पानी किसने पिला दिया और दो घोड़ते बल को जलवा दिखा दिया। मैं गाने वाले अभी बुलाता हूँ। बोला भैया गाने वाले को, गाने वाले अब राई देखो। अबे उरा चार सहेली थे, चार सहेली एक दिन उनमें कूपड़। अच्छा समझे? तो एक कूपड़ थी तो वो चारों सहेली में एक लड़की कूपड़ थी, तो वो कैसे समझा रही है? कैसे समझा रही है? वो यूँ कह रही है कि बहन दुनिया पढ़ लिख के होशियार हो गई, लेकिन तू वहाँ के वहीं है, तू नहीं बदली। तो वो क्या समझा रही, क्या कह रही है? हाँ बतलाई। के लाली बदल गया संसार, ये बिना तू ना बदले। के लाली बदल गया है संसार, ये बिना तू ना बदले। कटवर की साड़ी कुतिया पहन रही। ए, साड़ी पहनती होगी कुतिया कहीं? ये चार सहेलियों के बौक है। अच्छा। वो लड़की कुत्ता बोलने जाती थी, ये ठीक। कटवर की साड़ी कुतिया पहन रही, कुत्ते पैंट पहन रहे, ये बिना तो ना बदले। के लाली बदल गया का पट्टा। अबे भैंस पहनती होगी हसली कहीं? एक औरत मोटी थी। अच्छा। उसे भैंस भैंस कह देते। बौंक था उसका? बौंक था कि देख कैसी जा रही भैंस सी। तैने कौन सी भैंस समझी? मैं भैंस समझ गया, दूध वाली जो सी दूध देती है। जो उनसी दूध देवे? हाँ। अब भैया वो भी बच्चे को दूध पिला रही थी, वो भी दूध दे रही थी। सोने की हसुली भैंस पहन रही, कटड़े मांग सजा रे गे, ये बिना तो ना बदली। के लाली बिचारी के हो गई लौंडिया। उल्लू का पट्टा। अरे मेंढकी के लौंडिया होती होंगी कहीं? अरे भैया एक बौंक लड़की को जो है मेंढकी कह देते। मेंढकी बौंक था? वो खुद बोलने जाते थी बौंक था। बौंक से अब वो लड़की बचपन से जवान हो गई, शादी हो गई, ससुराल पहुंच गई। पहुंच गई तो भैया क्या हुआ? क्या हुआ ससुराल में? लड़की ससुराल पहुंच गई, क्या हुआ फिर? क्या हुआ? डरा रहा और मीन की बिचारी के हो गई लौंडिया, कटड़े मांग सजा रे, ये भेना तो ना बदली। तो भाई गाने वाली को बुला ले। अभी बुलाता हूँ। रामपाल सिंह की कंपनी नाच रही। रामपाल सिंह जो मोहनपुर के वाले, मोहनपुर चांदा नंगली के रहने वाले कंपनी मालिक है।
सही बात है। हाँ ठीक। महेंद्र सिंह पेठी बजारे, ये मिला गंगोड़े के रहने वाले महेंद्र सिंह। ठीक। और धर्मा सिंह ढोलक बजारे, ये रांडो वाले के रहने वाले। चंद्रपाल सिंह नकारा बजारे, अच्छा ये भूरापुर के रहने वाले। के पास भूरापुर के रहने वाले चंद्रपाल सिंह नकारा बजा रहे हैं। ठीक। परम सिंह मुझे समझा रहे, ये बसामपुर के रहने वाले परम सिंह। जी हाँ। और सौराज सिंह क्या कर रहे हैं? सौराज सिंह हाँ खानपुर के रहने हाँ, वाले। क्या कर रहे हैं? सौराज सिंह जोकरी दिखा रहे, बेना तो ना बादल। हम भैया गाने वाले को बुला ले। गाने वाले ये तीनों सुनाया यार, हम अगर जो दो दो चार बोल जार वीर के सुना दे तो ठीक रहेंगे? नहीं गाने वाले को कहते हैं गाने वाले। गाना सुनोगे? गाना सुनवाइए। ये हमारे भाई साहब शराब बहुत पीता है, जल्दी शुरू करो गाना। अच्छा सुनिए। मैं तो बच गई आज मरी होती, लड़ गया बहरी बिछिया। मैं तो बच गई आज मरी होती, लड़ गया बहरी बिछिया। आगे चले मेरे जेठा जी का छोरा, आगे आगे चले मेरे जेठा जी का छोरा। पीछे पीछे चले मेरे जेठा जी, लड़ गया बहरी बिछिया। पीछे पीछे चले मेरे जेठा जी, लड़ गया बहरी बिछिया। दारू भी पिलाई जाए, नोट देते रहो। नोट खूब दे रहा हूं। खुदा करे तुम्हारा हुस्नु सवाब सड़ जाए, खुदा करे तुम्हारा हुस्नु सवाब सड़ जाए। बजाए आम के तुम्हारा अचार पड़ जाए। सब कुछ सुनो मगर ये मत सुनो। आगे आगे चले मेरे नंदोई जी का छोरा, आगे आगे चले मेरे नंदोई जी का छोरा। पीछे पीछे चले मेरे नंदोई जी, लड़ गया बहरी बिछिया। हाँ पीछे पीछे चले मेरे नंदोई जी, लड़ गया बहरी बिछिया। आगे आगे चले मेरे देवर जी का छोरा, आगे आगे चले मेरे देवर जी का छोरा। पीछे पीछे चले मेरे देवर जी, लड़ गया बहरी बिछिया।
आगे आगे चले मेरे जेठा जी का छोरा, आगे आगे चले मेरे जेठा जी का छोरा, पीछे पीछे चले मेरे जेठा जी, लड़ी गया देहरी बिछवा। भूरा, अबे गाने वाली को रुपए देकर इनाम दिया जाए, इनाम दिया जाए, इनाम दिया जाए, चली जाए गाने वाली अपने। इनाम जाइए, इनाम दिलवाओ, इनाम आपके घर आ जाएगा। जाओ जाओ, तुम्हारे घर आ गए, जाओ चली जाओ। देखो जो दरबार में आएगा, हाँ बकस नहीं सकता, बिल्कुल धरती से नीचे उतार दूंगा। ये देखो, कम पिया कर तू यार, दारू कम पिया कर। अरे भाई उड़ा भूरा है क्या भाई? कौन है दरबार में, आवाज कहाँ से आई? एक तुम्हारा रिश्तेदार हूँ भाई। हमारा रिश्तेदार? अच्छा, तो फिर क्या बात है? देखो बात ये है, मैं तुम्हारा बहनोई हूँ और मेरे साथ में मेरी भाभी है। मैंने तुमसे पहले कहा था कि वे शराब पीते कबाब खाते हैं, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, तुम नहीं मानी, मुझे जाना पड़ा। वे नु कहते हमारे कोई बहन ही नहीं है। क्या कहा उन्होंने? हमारे कोई बहन ही नहीं है। सच कह रहे हो? हाँ। आ बैठो, मैं जाती हूँ। चली जाओ। नूरा, तेरा काम करूंगा पूरा सही। अब अरे उड़ा भूरा के बच्चो, देखो ये आवाज फिर आई। अभी कौन पिलिया है? पिलिया, पिलिया वो जो नहान नहान में डबोई थी वो बच आई, निकली आई। नहीं भैया, मैं तुम्हारी बहन हूँ। हमारी बहन है? हमारी कोई बहन नहीं। कैसी बहन है? अरे मैं हूँ रानी कमलावती। अच्छा, निदना की बहन है? हाँ भैया। अच्छा, क्या नाम तेरा? मेरा नाम है रानी कमलावती। कमला, उर्दू पका कमला जाए स्प्रिंग करो। एस्पेरो कहते हैं उल्लू के पक्षी, एस्पेरो कहते हैं उसे। स्प्रिंग करो भैया। अबे स्प्रिंग नहीं। अच्छा वो कमला मेरी छतरी के नीचे आ जाए। अबे वो भी नहीं है। ये सुनो, ये निंदा की बहन है कमलावती। हाँ। क्या क्या कहना है ये भैया? निंदा की कब्र में मारी है लात। हाँ। और तुम दोनों के नौ भात मेरा वाला भैया, मेरी वाली बहना। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया ठीक है। निंदा की कमर में मारी लात, हमारा नौत ने भात। पीछे हट। हाँ भैया, तेने दारू पी रखी, होश नहीं है तुझे लाली। कहो भैया, ठीक ठाक है बहन? भैया सब ठीक है। अच्छा, आपके हाथ ठीक है ना भैया? सब ठीक है। एक बात बताइए, कैसा आई है तू? भैया मेरे लड़के की शादी है, मैं भात नौते के लिए आई हूँ भैया। ठीक है। अबे ये निंदना की बहन है, अपने भैया को ठुकरा कर आई है हमारे भात नौत ने। अब ये समझो देना क्या भात में। भैया निंदना की कब्र में मारी है लात। हाँ। तुम दोनों का नौते भात मेरा वाला भैया, मेरी वाली बहना। मेरे वाली भी बहना। ठीक है, कोई चिंता मत कर। अब तो होश में आ गया भैया, कोई चिंता मत। अब हो गया होश तुझे? हाथ दूंगा, हटवा दूंगा, डटवा दूंगा। हाँ भैया, ऐसा भात भरूंगा जो आज तक किसने ना दिया हो, ना कोई आगू दे सके, समझे? कैसा भैया? ऐसे लगा के तेरे घर तक जितना भी खर्च होगा वो मैं करूँगा, समझे? भाती का खाना होता है? हाँ होता है भैया। खाना मैं दूंगा, पढ़ाई होती है? पढ़ाई मेरी रही, नाश्ता मेरा रहा, समझे? हाँ। नाश्ते की बात ऐसी है, और पढ़ाई जितने भी जोड़े हैं सब मुझे देने। 1500 पजामे दूंगा बगैर कमर बंद के। उन्हें कौन पहनेगा? सभी पहन लेंगे। और 1500 कोटी दूंगा बगैर बटनों की। अरे पागल तो नहीं है, तुम्हारी बहन भांजी पहनेगी उनको? हुक लगा के दूंगा। अच्छा ये मतलब है? हाँ, सब पढ़ाई है हमारे पास, और तू जो है ना कुछ नहीं। रही नाश्ते की बात, नाश्ते की बात ऐसी है, 1500 सलवार दूंगा बगैर आसनी की। उल्लू का पट्टा। अबे हमारी बहन भांजी पहनेगी बगैर आसनी सलवार? हमारे सामने पहनो, आजकल के टेलर होशियार हो गए, पिछली सलवार जैसी बेगार दी क्योंकि नाश्ता निकाल के एक तरफ फेंक दिया। हाँ। एक ही जोड़ है। मेरा भैया होशियार हो गया। अरे यार सवाल अब नाश्ते का। कैसा? एक क्विंटल अमरूद ले लेंगे। सही है। और 2 क्विंटल ले लेंगे नमक। उनका क्या होगा भैया? नमक अमरूद में रंधोड़ो और कह दो खाओ पियो मौज लो, समझे? अब रह गई यानी खाने की बात।
समझे खाने की, सब खाना हमारे यहाँ फिट मिलेगा और यहाँ से लगा के तेरे घर तक कितना भी खाना होगा पैसे हम खर्च करेंगे समझे, जितना भी होगा। और तू अब जो बात नेक का कर दे, और जो है जो भी नेक करना है बात का नेक कर दे। भेलुली, ये भेली कहाँ है? ठीक है भैया, ठीक। भेली कहाँ है? अरे भेली है भैया, भेली लाई है, भेली लाई हूँ। बस तो बात सुना दे, ठीक है। अरे उरा भूरा पनियाई और बेईमान, निकाल दे वो रहे तो दरबार में तो निकाल दे, निकाल दे। क्यों, कह रहे बनियाई बेईमान? नहीं भैया, मेहमान कह रही है तेरा या नहीं भैया, तुम्हारे समझने में गलती है कुछ। तो कहना रे बनियाई बेईमान, तेरे पाने का कुछ लेख का खा लिया भैया, तुम्हारे समझने में या तेरा कुछ लेख का खा लिया? नहीं भैया, मैं क्या कह रही हूँ सुनो। कौन? अरे उरा भूरा बनियाई और मेहमान। ये कौन मेहमान है? तो आमेंगे। अबे मेहमान कह रही है। हाँ तो आमेंगे, फिकर मत करे, आमेंगे। अरे उरा भूरा बनियाई और मेहमान, मेरे मेरे मने चले की शोभा। आमेंगे रानी, फिकर मत करे। अब भी आना संग में भाबो को बिराना, लेगा लाली। अब भी आना संग में भाबो को बिराना, भाभी को नाने के लौंडे आमेंगे चंटा। वो क्यों भैया? ना तो कोई लड़कियों में साहब है, ना कोई औरतों में साहब है। भाभी क्यों ना लाओगे? ना उसका में जाना, औरतों के चोले नहीं आती भैया, उसका में जाना लाली। क्या कहा? ना ना, लड़के ही लड़के आमेंगे बस। भाभी का मिजाज क्यों नहीं है भैया? उसका में जानना है। अरे क्यों ना भैया, कुछ ऐसी बीमारी चल रही है, तकलीफ चल रही है। अरे क्या बीमारी, मेरे से कोई चोरी है भैया? ये हाँ, बहन भाई की कोई चोरी नहीं होती है। ये लाली रहने दे, कोई बात ना। अरे बताओ ना भैया। ये मैं ना बताता। अरे बता दे। ये उसका 16वां महीना चल जा। 16वां महीना नाला कहीं का सुल। अब भी आना संग में भाबो को बिलाना, अब भी आना संग में भाबो को बिलाना, आए बिना लाना सभी सामान, भैया के जाए लाना सभी सामान, रे मेरे मन चले की। अब भी आना संग में औरतें मिलाना, मैया के जाए लाना सभी सामान, मैया जाए लाना सभी को साथ, रे मेरे मंडे तले की शोभा। भैया बात सुन ले, चार धड़ी चांदी बतेरी काफी है भैया, पांच धड़ी सोना बहुत है, ये भी काफी है। तो फिकर मत करे, सब सामान आएगा। सिलवा चतरी, एक सिलवा चतरी को गारे लौंडिया, टिलको से माल आगा, टिलको से। अरे तुम तो थोड़ा थोड़ा सामान ले, बाकी जेवर तो तेरे जीजा ने बना रखा है। एक और सुन ले, चाचा जेवर लाओगे? जेवर? अरे बाकी जेवर तो तुम्हारे जीजा ने बना रखा, तुम तो थोड़ी बहुत चीज ले आई हो, क्या बात है? चिंता मत करे, जैसे सोने के कुंडल है, सोने का टीका है, अच्छा सोने का पेंडल है, दो चार चीज सोने की चूड़ी और डालेगी भैया, और भी आ जाएंगी। हाँ। लेकिन इतना ध्यान दिए कि हम है शराब भी करवाते, नशा जिस दिन तेरा मंडा होगा उस दिन हम पी के चलेंगे घर से। अच्छा, और खुदा ना खासदा रास्ते में हमें नशा हो गया जाते। हाँ। और हम पी के पड़ रहे। हाँ। तो हमने टाइम सीट चढ़वा लिए क्या रे मंडा,
नाला कहीं मंडा मंडा। अरे मेरा फसीरे पड़ी हूँ, मैया के जाए फसीरे पड़ी हूँ, मकड़ी के रे जाले कमला। कहो भैया। एक बात बता। बोलो। लड़का शादी योग हो चुका? हाँ भैया, बच्चा जवान हो गया अभी। अच्छा, क्यों ये? तू भात नौतने तो आ गई भात मांगने के लिए। हाँ। और तने जिस्टोन भी करा होगा। हाँ। है? जिस्टोन भी क्या है भैया? जिस्टोन किया है? हाँ। जिस्टोन में तने नौता नहीं भात मांगने के चलती। ए लालक। है? जिस्टोन में भैया का कोई हक नहीं होता है? जिस्टोन का कोई हक ना होता? जी नहीं। तू पागल है? ये हम तो छूचक देते, तेरे घर का धोआई खाते, अपना खा गाते। ये बात तो सही कह रहे हैं भैया। नाम पैदा कर गाते। अच्छा, और आज तो अपना जो सोच लिए। जी हाँ प्यारे सज्जनों, कमलावती भात नौत करके पूरा भूरा के यहाँ और चलने की तैयारी करते हैं। तो जहाँ पर ठाकुर निंदा की टूटी हुई घुड़साल शहर से बाहर चार नंबर बनी हुई थी, उस पर सावलधन बेचारी इकली बैठी हुई व्याकुल होती है, अपने पति के इंतजार में बैठी है। उधर से किस तरह से विलाप करती हुई आप लोगों के सामने पेश की जा रही है सावलधन, और निंदना का जवाब होने के लिए जा रहा। खिले गुलशन खिले और गुल की बारी आ गई, बैठने वालों बैठिए संभल के मुझ दुखिया की बारी आ गई। आज बात देख रही अपने साजन की देख रही बा, अज कभी गली से
तेरे सबके आज नहीं है सोने को खा आज अभी तक नाए मेरे आज बलम तो सखियों को लाइयो शहर से बुलाए। वो किसलिए स्वामी? सखियों का ढोलकी का क्या क्या होगा प्यारी? क्या होगा? अरे मेरी प्यारी मंगाली गवाल हो मेरे टूटे रे ये नगर में पिया ताना सब देंगे हाँ ये तो बात तेरी सही है सावल दल अगर इस गरीबी में हम लोग गीत गवाएंगे तो ये दुनिया सब हमारी हंसी करेंगी खाने तक रोटी नहीं मिलती है ढोलकी बजाते हैं और गाना गाते हैं सही बात है स्वामी तो इसमें कोई कारण है सावल दल कौन सा मेरी प्यारी सावल दल मेरी बहना आ रही है नातने रे तेरे भा
हिरैया भानजे का जाइए गुरगवा को प्यारी क्या स्वामी भातन बन के हाँ मेरे अच्छा। तुम्हारे घर पर भात तोड़ने के लिए आ रही है कहाँ पे छोड़ी गुरगवा वाली कहाँ पे छोड़ी सासू की ला मेरे सही सही मुझसे बता दो बात स्वामी आप जल्दी बताइए आपने कहाँ पे छोड़ी रावल धल जी अब तक मैंने कितने प्यार से तुम्हें बातें बताई बहन जी अब इन बातों को पूछ रही हो ये बातें बताते हुए मुझे डर सा महसूस होता है। इस बात का डर है स्वामी अगर ये पूछना चाहती हो तो पहले तीन वचन दो इसमें वचनों की क्या बात है अपनी औरत का भी किसी वक्त विश्वास नहीं होता है लाओ वचन लीजिए वचन एक दो तीन जो वचनों से टले वो नरक समाने में इन बातों में मैं ये मांगता हूँ सांवलधन कि जो मैं बातें बताने के लिए जा रहा हूं जी कहां मैं बहन को छोड़ आया और कहां बहन चली गई इन बातों को सुनकर के तुम्हें गुस्सा आ जाए तो बहन को कुछ मत कहना नहीं स्वामी आप बताइए मुझसे जब मेरी बहन तुम्हारी घुड़सालों पर आ जाए तो बहन के आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाना खाने पीने के लिए कुछ नहीं हो तो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाना वो तुम्हें माफ कर देगी ठीक है स्वामी जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगी मैं अब मैं बताने के लिए जा रहा हूँ कहाँ बहन चली गई कहाँ मैं छोड़ा बताइए